पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रवीण ने निहारिका को एक आंख फूटी और एक कान गायब वाला टेडी बियर तो दे दिया, लेकिन टेडी बियर देने के बाद जब प्रवीण और अर्पित समोसा खाने रामलाल की दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने समीर कुछ लड़के लेकर उन्हें पीटने के लिए खड़ा है। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ और सुनते हैं कहानी की अगली कड़ी प्रॉमिस्ड। प्रवीण और अर्पित दौड़ पड़े और अचानक से जैसे किसी फौलाद से लड़के गिर गए। सामने देखा तो साक्षात पहलवान अंकुर खड़ा था। अंकुर ने दौड़ के दोनों को उठाने की कोशिश की। अर्पित ने तुरंत कहा, भाई तुम्हारी बहुत जरूरत है, वो समीर मारने के लिए लौंडे लेकर आया है। इतने में समीर ने दौड़ते हुए प्रवीण की कॉलर पकड़ ली। समीर ने हाथ उठाया ही था कि इतने में ही उसकी कनपटी पर जोर से कंटाप लगा और सी सी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। पीछे पलट के देखा तो हाथ पहलवान अंकुर का था। झापड़ इतना बुमबार्ड था कि साथ वाले लड़के समीर को उठाने भी नहीं आए और तत्काल सरपट निकल लिए। अर्पित और प्रवीण के चेहरे पे फिर से कातिल मुस्कान थी। साला प्यार में पिटते पिटते बचे, किस्मत अच्छी थी बे, बच गए, अर्पित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। साला प्यार ना हुआ जंजाल हो गया, रोज रोज नया बवाल आ जाता है, प्रवीण ने झुंझलाते हुए कहा। साले प्यार करो तुम, पहले जाएं हम, ऐसा है अब शुभम सर की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, निहारिका से अब वहीं मिलना, भरे चौराहे पे होंका जाना अच्छा नहीं लगता, अर्पित ने सुझाते हुए कहा। चलो सीधे सर के यहाँ चलते हैं और आज ही श्री गणेश करते हैं, कहते हुए दोनों शुभम सर के घर निकल गए। प्रवीण और अर्पित को शुभम सर में आशा की किरण दिख रही थी और शुभम सर को दो मुर्गे। 250 रुपये के हिसाब से दो लड़कों के 500 बन रहे थे। शुभम सर ने बिना किसी सवाल और एडवांस के अगले दिन शाम को 5 बजे का समय दे दिया और दोनों अपने घर निकल गए। टेडी बियर हैंडओवर किया जा चुका था और प्रवीण को आज चैन की नींद आ रही थी। अगला दिन था प्रॉमिस्ड। लेने देने को कुछ नहीं था, बस वादा ही था। सुबह होते ही प्रवीण फिर अर्पित के घर पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि बीती रात घर में चोरी हुई और अर्पित के भतीजे का टेडी बियर चोरी हो चुका था। अर्पित प्रवीण को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। चाय पीकर दोनों स्कूल के लिए निकल गए। आज इत्तेफाक से निहारिका प्रवीण को रास्ते में ही मिल गई। निहारिका ने प्रवीण को बुलाते हुए कहा, प्रवीण ये लो, और एक पैकेट थमा दिया। थैंक यू, प्रवीण ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। और सुनो, निहारिका ने बोला। अरे निहारिका जी, आज प्रॉमिस डे है, प्रवीण ने निहारिका की बात काटते हुए कहा। अच्छा तो प्रॉमिस करो कि आज के बाद रोड पे सबके सामने ऐसी हरकत नहीं करोगे, कहते हुए निहारिका स्कूल में घुस गई। भाई नीहू मान गई, अब गिफ्ट छुट्टी में खोलेंगे, प्रवीण ने पैकेट बैग में रखते हुए कहा। छुट्टी हो चुकी थी और दोनों लड़के गिफ्ट खोलने का इंतजार कर रहे थे। पैकेट खुलते ही अर्पित ठहाके लगा के हंसने लगा। देखा तो उसमें अर्पित का टेडी बियर था और उसमें एक नई आंख और नया कान लगा हुआ था। टेडी के पेट में चीरा लगा था जहां की रुई उसके कान में भरी जा चुकी थी। अर्पित ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में एक तरफा प्यार ही लिखा है बे। प्रवीण न हंस पा रहा था न रो पा रहा था, प्रॉमिस अलग से करके बैठा था। चलो शुभम सर के यहाँ, उनका भी बयाना लेके आए हो। हम, प्रवीण स्पीचलेस हो चुका था। दोनों
शुभम सर के यहाँ पहुंचे और क्लास में चुपचाप बैठ गए। सर की क्लास में एंट्री हुई। सर ने प्रवीण और अर्पित को क्लास के बाहर बुलाया और कहा, बेटा समीर के नाम से फोन तुम दोनों ने ही किया था ना? सर वो शुभम सर को कैसे पता चला? सर क्या होगा प्रवीण और अर्पित का? क्या होगा जब अर्पित टैडी बियर भतीजे को देगा? क्या होगा अंकुर और समीर की लड़ाई का? जानने के लिए जुड़े रहिए, सप्ताह अभी बाकी है।